हेलो गाइज, दिस इज आदि उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आए हुए हैं नेशनल कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए रामनगर में। तो यहाँ पे पांच जोन हैं जो फेमस हैं, एक ढिकाला, बिजरानी, झरना और सीतावनी और दुर्गा देवी। तो हम लोग एक्चुअली ये प्लान हमारा जो था वो बहुत जल्दी जल्दी बनाया, तो हमको ढिकाला और बिजरानी के वहाँ का परमिट मिल नहीं पाया। तो हम लोग जो आज राइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ढेला जोन से, और ये पीछे है उसका आपका ढेला जोन का गेट। अभी हम लोग यहाँ पर परमिट कटवा रहे हैं। ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आगे कुछ जिप्सी खड़ी हुई है, मेरे आगे भी खड़ी हुई है सब लोग। एक में कुल छः लोग आते हैं और करीब 4500 रुपीज़ जो उसका चार्ज आता है। लेकिन आपको इसके लिए ना पूरा इसका ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी बाकी देखते हैं वहाँ का रास्ता, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ढेला जोन। तो फिलहाल अभी वो वेट कर रहे हैं, हमारा परमिट कटने के लिए गया हुआ है और यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ जिप्सियाँ जा चुकी हैं एक दिन में, कुछ मतलब यहाँ पे होता है कि पूरे कॉर्बेट के अंदर 90 के करीब जिप्सियाँ पूरे कॉर्बेट जोन के अंदर एक दिन में जाती हैं। तो यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो कॉर्बेट का जो पूरा एरिया है इसमें करीब 250 प्लस टाइगर हैं इस पूरे उसमें एरिया में, और एलिफेंट और आपके बियर और डियर, इतनी सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे मिलती हैं। और जो लंगूर है और जो ढेला जोन है ये बर्ड फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। ढेला जोन में बर्ड फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे मिलती हैं। तो आज हमारी किस्मत है, देखते हैं कि हम लोग को टाइगर, एलिफेंट, डियर या इन कौन से जो वाइल्ड एनिमल हैं हमको कौन कौन से मिलते हैं। सो चलते हैं हम लोग निकलने से सफारी पे। इससे हमको अपना दाएं बाएं देखते रहना पड़ेगा, जहाँ पर कोई जानवर दिख गया तो वहाँ पर फ़ोटो वोटो खींचनी है बस इसमें, क्योंकि आपको गोप्रो से तो मैं दिखा पाऊँगा नहीं। लेकिन फ़ोटो आप देखने के लिए इंस्टाग्राम में आदि ब्लॉग करके मेरा वो है अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए तो आपको जो कार्बेट की जो फ़ोटो होंगी उसमें दिख जाएंगी सारी की सारी। तो हमारे दोस्त लोग काफ़ी खुश है, इतने खुश है। और जंगल काफ़ी घना है और बहुत सारी सफारी पीछे से आ रही है, कुछ निकल चुकी हैं कुछ चल रही हैं। अब जो पिछले 5 साल का प्लान था वो मतलब 5 साल बाद ये पूरा हमारा प्लान है, लेकिन आज मैं पहली बार कॉर्बेट में ऐसे वाइल्ड लाइफ सफारी कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। जिसमें मैं खड़े होके जंगल के बीच में घूमने का जो मज़ा है आप आके भी लुत्फ ले सकते हैं आराम से। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर दिखाई नहीं आया, बहुत सारी सफारी सामने खड़ी हुई है और मे भी यहाँ पे ऐसा कोई जानवर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है, इस साइड है कहीं पर। बहुत सारे, अरे हाथी हाथी वो सामने है, सामने एलिफेंट है देखिए खड़े हुए बहुत सारे। एक्चुअली यहाँ पे थे दो बिग एलिफेंट थे और एक काफ था, और वो लोग अभी तक यहीं भी थे, लेकिन जब ज़्यादा जिप्सी आ गई तो वो निकल गए जंगल की ओर। तो हम फिर आगे बढ़ रहे हैं टाइगर की खोज में, अगर टाइगर मिलता है तो कुछ मतलब सफल हो जाएगा आज का। और ये पूरा ऐसा जोन है देखो आप चारों ओर, ये पूरा ग्रास जो लैंड है पूरा, इसमें टाइगर डियर सब होते हैं। अब ये किस्मत पर बात है कि हम लोग को दिखाई देता है कि दिखाई देता है। आप देख रहे हो कि ये बहुत सारी जिप्सियाँ आगे चल रही हैं, वहाँ पे एक बर्डी बैठी हुई है बहुत खूबसूरत वो सामने वाले पेड़ पे। मैंने आपको बताया था कि ये बर्ड सेंचुरी भी काफ़ी अच्छी है, देखिए शायद उनको कुछ और चीज़ दिखाई दी है उन लोग को वहाँ पे रुके हुए हैं।
हम लोग भी देखते हैं कि क्या है आखिरकार वहाँ पे ऐसा। एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई जूम लेंस नहीं है जिससे वो दिखाई दे कि क्या चीज़ है। मैं आपको सारे गोप्रो से ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि कॉर्बेट मतलब अंदर से दिखने में कैसा है। जिस गेट से हमने एंट्री की थी वो ऐसा ढीला जोन स्टार्ट हो गया। अभी तक हम चल रहे थे हॉट मिक्स रोड पे, अब हम आ गए हैं इधर कच्ची रोड पे, पूरे जंगल की ओर जा रहे हैं हम लोग। अब इस जंगल के अंदर देख के पास रहेगा थोड़ा, ग्रास थोड़ी साई गई जली हुई है अभी, तो इसके अंदर शायद कुछ उम्मीद हो हमको कुछ मिल जाए। देखिए सामने मॉन्की तो है, मॉन्की दौड़ रहा है। आधी हो गई है सफारी मेरी पूरी, ज़रा शोरगुल करना नहीं यहाँ पे क्योंकि वाइल्ड एनिमल है। भाई लोग बहुत खुश हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको एलिफेंट दिखाई दिया, एक काप दिखाई दिया, और अभी तक डियर हमने बहुत सारे देख लिए और बर्ड्स बहुत सारी देख ली, पिकॉक ये बहुत सारी देख ली हैं, लेकिन अभी बस जो तलाश है वो टाइगर की है। देखते हैं वो तलाश पूरी होती है नहीं होती है, मिल जाए तो हमारी किस्मत, नहीं ले तो दोबारा आएंगे फिर कभी देखने के लिए टाइगर को। तो अभी हम लोग कार्बेट जंगल के अंदर एक जगह पे सफाई रोक के खड़े हैं, क्योंकि हमने जो आगे सफाई जा रही थी उसे थोड़ा गैप बनाना था, क्योंकि एक्चुअली दो तीन सफारी एक साथ चलती हैं तो जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल हैं जो वो आते नहीं हैं, उससे वो भाग आते हैं। तो अभी हमने उन दो सफारियों को आगे जाने दिया है, हम करीब 10-15 मिनट का उससे गैप बनाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे ताकि हमको कोई जानवर मिल जाए देखने को। तो हमारी सफारी पूरी होगी, 1:30 बजे हम लोग निकले थे, करीब 5:30 बजे हैं वापस आ गए। बहुत देर इंतज़ार किया लेकिन हमको टाइगर नहीं मिल पाया, हाथी, लंगूर, पिकॉक और डियर हमको देखने को मिले यहाँ पे। उसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और किस्मत भी होनी चाहिए टाइगर देखने के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया था, आपको ये सब ऑनलाइन बुक करना है पूरा, आपको जो भी जोन जाना होगा। फ्राइडे और सैटरडे और संडे तीन दिन ढिकाला और बिजरानी जोन काफ़ी बिजी रहता है, तो आपको वहाँ का परमिट लेने के लिए पहले करीब 1-1.5 महीने पहले आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका परमिट वहाँ का बन पाएगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना,
और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और कमेंट करना, कोई सजेशन होगा तो सजेशन दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।